कांग्रेस ने दिया राहुल की कैलाश यात्रा का सबूत। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर दिया सबूत। 34 किलोमीटर पैदल चलकर कैलाश पहुंचे राहुल। गिरिराज सिंह ने उठाया सवाल, बताया फोटोशॉप। सार्वजनिक मौकों पर कई बार खुद को शिव भक्त बता चुके राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। कैलाश यात्रा से राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें राहुल कई अन्य श्रद्धालुओं के साथ दिख रहे हैं। राहुल लगातार सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा की जानकारी दे रहे हैं और कैलाश पर्वत और झील की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा पर राहुल की खुद की तस्वीरें और वीडियो पहली बार सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी पार्टी ने न केवल यात्रा की ताजा तस्वीरें जारी की बल्कि यह भी बताया कि राहुल गांधी ने कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए कितने कदमों के साथ कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। राहुल ने लगातार 13 घंटे पैदल चलकर यात्रा को पूरा किया। इस दौरान राहुल गांधी 46,000 से ज्यादा कदम पैदल चले। राहुल का यह पूरा सफर करीब 34 किलोमीटर का है। राहुल ने यह पूरा सफर 469 मिनट में तय किया। वहीं इस पर हमेशा की तरह सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने राहुल की फोटो पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में गिरिराज सिंह ने राहुल की फोटो को फोटोशॉप बताया और कहा कि राहुल जिस छड़ी के सहारे खड़े हैं उसकी परछाई गायब है। अरे राहुल गांधी के लेकर के हम क्या ट्वीट करेंगे। राहुल गांधी तो अपने आप में देश को ऐसे हालात बना दिए हैं कि लगता है एक तमाशा राहुल गांधी खुद बन गए हैं और देश को तमाशा बनाना चाहते हैं। नॉनवेज या वेज, इस पर भी हो चुका है विवाद। राहुल गांधी के नेपाल दौरे पर विवाद पहले भी हुआ। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हुई कि राहुल ने नेपाल में यात्रा के दौरान ही नॉनवेज खाया था। दरअसल नेपाल पहुंचकर राहुल गांधी ने काठमांडू के आनंद भवन स्थित वुटू फूड बुटीक में खाना खाया। राहुल गांधी के इसी खाने पर विवाद हो गया। राहुल की कैलाश यात्रा के सियासी मायने। दरअसल कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को राहुल गांधी लगातार तोड़ने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने से पहले ही राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े थे। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मंदिरों में जाकर मत्था टेका था। राहुल को इसका सियासी फायदा भी मिला था। इसी कड़ी में अब राहुल कैलाश मानसरोवर जाकर ऐसी लकीर खींचना चाह रहे हैं जिसके जरिए उनके हिंदू होने पर बीजेपी कोई राजनीतिक सवाल खड़े न कर पाए। और शायद इसलिए ही सुरजेवाला अब ये बताने में लगे हैं कि कांग्रेस के खून में ब्राह्मण समाज का डीएनए है। इस देश के संचालक को आज की राष्ट्रीय कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसके खून में ब्राह्मण समाज का डीएनए है। दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव हिंदुत्व की बिसात पर लड़ा जाएगा। बीजेपी राम मंदिर सहित तमाम मुद्दों के साथ हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रही है। मौजूदा सियासी मिजाज को समझते हुए विपक्षी दल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपना रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान विष्णु का मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कैलाश मानसरोवर पर है। ऐसे में बीजेपी की छटपटाहट को समझा जा सकता है। आज जब वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए मानसरोवर गए हुए उस समय इस तरह की घटिया बातें करना किसी घटिया दिमाग की ही सोच सकती है। जब आदमी तीर्थ यात्रा पे जाता है तो उसकी यात्रा में जो विघ्न और बाधा उपस्थित करते हैं या उसके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करें, समझ लेना चाहिए पुराने काल में क्या होता था। जब धर्म यज्ञ होते तो कौन जाके विघ्न बाधा उपस्थित करता था। तो मैं यही कह सकता हूँ, चाहे जितनी विघ्न बाधा उपस्थित करो वो शांतिपूर्वक देश के कल्याण के लिए मानसरोवर यात्रा पर हैं और हमें अपने नेतृत्व पर पूरी तरह नाज है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा राहुल गांधी के लिए राजनीतिक सहूलियत पैदा करने वाली है। ऐसे में बीजेपी के लिए राहुल को हिंदुत्व के सवाल पर घेरना मुश्किल होगा। राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा का जवाब ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि हिंदू धर्म में इससे बड़ी कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। राहुल इस यात्रा के जरिए उन्हें भी जवाब देना चाहते हैं जो आए दिन उनके धर्म को लेकर सवाल खड़े करते हैं।
हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो राहुल गांधी के हिंदू होने के पक्ष में वैसे अभियान को धार नहीं दे सकती जैसे बीजेपी हिंदुत्व पर खुलकर खेलती है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ अपनी सेक्युलर छवि को साथ लेकर चलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।